नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह का 6 बज रहा है और अभी सारा काम हो गया है। हम लोग का 6 बजे तक सब काम हो जाता है सुबह का, तभी काम हो गया। और मैं जा रही हूँ शादी के घर में। अभी दुल्हन विदाई होगी क्योंकि 7 बजे तक विदाई हो जाएगी। तो अभी मम्मी पहले ही चल गई थी और हम लोग घर में काम कर करके रह गए तो लेट हो गया। और रात में मैं चली, मतलब घर चली गई थी, रात में मैं नहीं थी ठंडी में, इसकी वजह से बारात दुल्हन कुछ नहीं दिखा पाई। तभी मैं दूल्हा दुल्हन को दिखाऊंगी। और अभी मोमेंट बहुत ही ख़राब है, सबका रोना धोना। बेटी विदाई होती है कितना रोना धोना होता है आप लोग को पता ही, और खुद सामने से देख देख के हम लोग का भी आंसू आ जाता है। तो यहाँ पर दुल्हन और दूल्हा बस निकल ही रहे हैं विदाई के लिए। अभी जितना था रसम में, मंडप में नहीं थी, नहीं तो शादी भी आप लोग को दिखाती। रात जगना बच्चे लेके हो नहीं पाया, इसके वजह से मैं नहीं रही। तो ये है दूल्हा दुल्हन, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों का जोड़ी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लग रहा, कैसा इन लोग का जोड़ी है। और यहाँ पे मड़वा, ये मड़वा बना था, यहीं पे शादी हुआ था रात में। तभी देखिए मड़वा भी खाली हो गया है, यही तो रात में काफ़ी भीड़ था, यहाँ पे आने का जगह नहीं था। तो यहाँ पे बाहर पे इन लोग का घर का सामने मतलब मंदिर है, शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पे इन लोग प्रणाम वगैरह कर लिए हैं और बस अब अपना गाड़ी में बैठेंगे और विदाई होंगे। तो अभी काफ़ी भीड़ देख रहे होंगे आप। और अभी बस दुल्हन रो रही थी अपनी मम्मी के पास, मतलब इतना ख़राब मोमेंट था ना, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, सबका रोना धोना चल रहा था। और आप लोग समझ सकते होंगे कि ये चीज़ देखने के बाद हम लोग को खुद का शादी का दिन याद आ जाता है कि काश बेटी शादी हो जाए, मतलब बड़ी होती है कितना जल्दी फिर शादी हो जाता है, इतना बड़ी बेटी करके फिर शादी देना पड़ता है, बहुत ही दुख का बात हो जाता है। यहाँ पे दुल्हन विदाई हो गई है और विदाई होती है ना यहाँ पे करवा चावल छीटते हैं गाड़ी में। उसके बाद यहाँ पे मैं घर जा रही हूँ, बस विदाई हो गई, उसके बाद घर चली आ गई। उसके बाद महाई हुई और मैं बहुत ही जल्दी फास्ट फास्ट काम कर रही हूँ क्योंकि मैं आगे वीडियो में आपको और कुछ बताऊँगी। तो यहाँ देख ही रहे हैं आप मुझे, जैसे कि मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो मैं कहाँ जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ आप लोग को भी मन में सवाल होगा। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ, मतलब गांधीधाम जा रही हूँ। तो अभी सोच रहे होंगे कि आपका मन में बहुत ही सारा सवाल होगा कि अभी ये आए नहीं है पल्लवी के पापा, तो आप कैसे जाइएगा, बहुत ही आपका मन में सवाल है। तो आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा कंटिन्यू, आपको सारा चीज़ पता चलेगा। तो यहाँ पे जितना मोइजा था वो सब मैं ऊपर में रख ले रही हूँ और प्रियांशी का कपड़े इस बैग में मैं पैक कर ले रही हूँ क्योंकि फिर मुझे स्टेशन में और ट्रेन में बार बार से निकालना पड़ेगा। तो आज ही मैं निकलूँगी, बस 2 दिन के लिए ससुराल आई थी। और यहाँ पे प्रियांशी के कपड़े मैं ऊपर में ले रही हूँ क्योंकि इसको बीच बीच में चेंज करना पड़ेगा, छोटी छोटा बच्चा है तो चेंज करना ही पड़ेगा। और ये बेडशीट मैं ख़रीद ली हूँ एक, क्योंकि वहाँ पे जाके पलंग में मैं इसको बिछाऊँगी भी और यहाँ पे स्टेशन में अभी काम भी आ जाएगा क्योंकि अभी बेडशीट लेके ही जाना पड़ता है, इतना ठंडा का दिन है। तो एक नया ही ख़रीद ली हूँ ताकि मैं उस पलंग पर भी बिछा सकूँ जो मेरे घर पर है। तो जब मैं बिछाऊंगी तब भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और अभी मेरा कंप्लीट हो गया है पैकिंग। और माही को मैं ना बाहर, प्रियांशी को बाहर में छोड़ दी हूँ खेलने के लिए, अभी देवरानी के साथ खेल रही थी। और यहाँ पे जो मम्मी साड़ी दी थी तो मैं ये साड़ी भी पैकिंग कर ले रही, सारा कपड़ा मैं पैकिंग कर ली हूँ बड़ा बैग में, जो मुझे बीच में कहीं पर नहीं निकालना है और जो निकालने का है वो छोटा वाला बैग में रख ली हूँ। और यहाँ पर चूड़ी आए थे भैया, तो मैं चूड़ी लेने के लिए, मेरी देवरानी भी ख़रीद रही थी और मैं भी ख़रीद रही थी। और यहाँ पे प्रियांशी पैसा लेके घूम रही थी। और वहाँ पे ना शीशा का चूड़ी मिलता है ऐसे, गांधीधाम में मिलता है, कैसे नहीं मिलता है लेकिन मुझे ना उतना पता नहीं क्योंकि हम लोग नए नए हैं, 1 साल से ही रह रहे हैं, तो मुझे उतना पता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि 200 रुपया का चूड़ी भी मैं ख़रीद लूँ और ले जाऊँ, 200 रुपया का काफ़ी हो जाता है, यहाँ पर 20 या 25 रुपया दर्जन मिलता है, तभी 200 रुपया चूड़ी ले जाऊंगी तो बहुत दिनों तक हो जाएगा। क्योंकि मैं जब पिछले बार बट सावित्री का पूजा की थी ना, तो वहाँ पे शीशा का चूड़ी ढूंढ ढूंढ के मैं ना परेशान हो गई थी, नहीं मिल रहा था, इसके वजह से मैं सोची कि चूड़ी ले लेती हूँ अपना। और आज का दिन ही जब मैं निकलने वाली थी तभी आया है, बहुत ही अच्छे समय पर आया। और यहाँ पर पल्लवी वीडियो बना रही थी तो थोड़ा कैमरा हिला रही थी, अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी। और अभी देखिए बकरी सब खोल के ले जा रहे हैं क्योंकि अभी समय हो गया है बकरी चराने का, 3 बज गया है, तो 3 बजे सब बकरी चराने के लिए चल जाते हैं। देखिए मेरा घर का बाहर का इस तरह से था, थोड़ा बहुत भी हुआ। यहाँ पे देखिए प्रियांशी खेल रही है मिट्टी, मतलब इसको तो मिट्टी के बिना नींद ही नहीं आता, मन ही नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी खेलती भी है और खाती भी है। बहुत ही प्यारा प्यारा चूड़ी भी था यहाँ पे। और इसी तरह हम लोग का घर का बाहर भी आता है चूड़ी, इसी तरह से सामने से लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक मार्केट में जाके लेना पड़ता है, एक घर पे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ सामने से हम लोग ले लेते हैं।
तो अभी इसी तरह से और भैया निकाल रहे थे, तो उनका जैसा जैसा पसंद लग रहा था, तो मैं आज वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा मेरा ब्लॉग में, तो आप लोग को सारा सारा डिटेल मिलते रहेगा। तो अगर न्यू होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।